अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। आप इस लफ्ज़ इस्लामोफोबिया को बार बार सुने होंगे। मुसलमानों को लेकर एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करना और इसी के जरिए से सियासी मुफाद हासिल करना और एक समाज को अलग थलग करने की कोशिश करना। इस्लामोफोबिया से मुतासिर न्यूज़, डिबेट, कहानियाँ, ड्रामे, फिल्में बनाने का ट्रेंड आजकल भारत में देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी आपने कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी के जरिए एक समाज को लेकर नफरत घृणा को फैलाने की कोशिश की गई और यह हम नहीं कह रहे बल्कि भारत के ही कई फिल्मी डायरेक्टरों ने कहा है। इससे पहले भी तबसरा हुआ है, आज फिर से इस पर तबसरा करने की जरूरत आन पड़ी है। और ये मुल्क में दो मजहबों के दरमियान तफरके की साजिश तक कहा गया है कि ना फिल्म इंडस्ट्री में भी दो धड़े देखे जा रहे हैं। कभी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू मुस्लिम एंगल देखने को नहीं मिलता था, पर अब बहुत हद तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक हुकूमत भी यही चाहती है कि इस तरह के फिल्मों को बढ़ावा दिया जाए ताकि सियासी फायदा उठाने में आसानी हो और अक्सरियत समाज एक तरफ वोट कर वोट दे सके। अब एक और फिल्म इस तरह की आ रही है, इसे हैदराबाद फाइल्स तो नहीं कहा गया है पर इस फिल्म का नाम है रजाकार। आज हम भी जो रिपोर्ट बना रहे हैं न्यूज मिनट और वायर जैसे वेब पोर्टल से लेकर बना रहे, क्योंकि इस फिल्म का डायरेक्टर भाजपा का कायद गुडूर नारायण रेड्डी है। जाहिर है भाजपा का नेता मतलब देश हित में ही काम करने वाला समझ लेना चाहिए। इस फिल्म को प्रमोट करने में वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लिहाजा मुसलमानों को देश विरोधी और हिंदुओं पर जुल्म ज्यादती करने वाले के तौर पर इस फिल्म में पेश किया गया। लेकिन न्यूज मिनट ने इसे एक प्रोपोगंडा फिल्म कहते हुए एक समाज के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्म कहा है। अब चुनाव से पहले इस फिल्म को रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। 1 मार्च 2024 को इस फिल्म को रिलीज करने का ऐलान किया गया है। तो तेलंगाना में हुकूमत कांग्रेस की है और बीआरएस भी इस फिल्म की मुखालफत कर रहे हैं और इसके कायद केटी रामाराव ने कहा कि इस तरह की फिल्म को रिलीज होने नहीं दिया जाएगा, सेंसर बोर्ड के सामने तमाम बातें रखी जाएंगी वगैरह। वही भाजपा अपना दमखम लगा रही है और इस फिल्म के रिलीज के लिए तमाम हिंदुत्व तंजीमों को सरगर्म भी किया गया। यहाँ तक वजीर दाखला यानी कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि सरदार पटेल ने हैदराबाद रियासत को रजाकारों से आजाद कराया है। भाजपा ने कई बार हैदराबाद मुक्ति दिवस के बैनर तले हैदराबाद के भारत संघ में शामिल होने का जश्न इससे पहले मनाया है, ऐसा भी अमित शाह ने कहा है। आपने अक्सर भाजपा के टी राजा सिंह ने मुसलमानों को लेकर किस तरह के बयान दिए हैं, किस तरह के घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए सभी जानते हैं। और अब तो बात सीधी है, अब किसी ढके छिपे अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं रही और न ही किसी संविधान का डर रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम के वजीर आला हैं, खुद मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि हिंदुत्व की हिमायत में खुलकर बोलेंगे। तकरीबन 1000 मदरसे बंद करने पर फक्र भी है, ऐसा हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा। लिहाजा रजाकार फिल्म को मुसलमानों ने हिंदुओं पर किस तरह हमले किए थे ऐसा बताया गया, जबकि हकीकत कुछ और है। न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक रजाकार एक फौजी दस्ता था जो निजाम के मातहत अंजाम दिया जाता था। रजाकार उन देहातों में और उन लोगों पर ही हमला करते थे जो तेलंगाना आंदोलन में हिस्सा लिया करते थे और तेलंगाना मूवमेंट कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से चलाया जा रहा था। लेकिन फिल्म का जो टीजर चलाया जा रहा है वो मुसलमान यानी कि रजाकार की जानिब से चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। इस फिल्म पर कई लोगों ने एतराज भी किया है क्योंकि मुसलमानों को विलन और हिंदुओं को बेबस, मासूम और बेगुनाह दिखाया गया। हालांकि भाजपा के लीडर गुदूर नारायण रेड्डी की कोशिश ये थी कि हाल ही में हुए चुनाव से पहले ही इस फिल्म को रिलीज किया जा सके ताकि इसका सीधा फायदा भाजपा को हो सके। लेकिन कांग्रेस और बीआरएस ने सेंसर बोर्ड को फिल्म के रिलीज पर सवाल उठाए, लेकिन एक बार फिर 1 मार्च 2024 को फिल्म रिलीज करने की कोशिश जारी है। वैसे 10 मार्च से रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है, खासकर हैदराबाद में रमजान की रौनक काबिले तवज्जो रहती है। भाजपा, वीएचपी और तमाम हिंदुत्व ब्रिगेड नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। हैदराबाद के आखिरी निजाम भारत में शामिल होने से पहले अलग रियासत की मांग कर रहे थे। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, जूनागढ़ और कश्मीर भी इसका हिस्सा रहा है और यह कहानी की एक सच्चाई भी है। रजाकारों ने हिंदुओं पर जुल्म किया ऐसा बताया गया है, जो ये गलत है, इस तरह का आर्टिकल द वायर और मिनट ने बताया। और उस वक्त के नायब वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में शामिल किया, इसी पर ये फिल्म आधारित है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। रजाकार साइलेंस जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद एक इस्लामोफोबिया फिल्म कहा जा रहा है। जूनागढ़ कश्मीर के साथ हैदराबाद अलग रियासत बनने की कोशिश में थी, जिसके पस मंजर को इस्तेमाल कर प्रोपोगंडा फिल्म तैयार की गई है। द वायर और द मिनट ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा।
कांग्रेस और बीआरएस ने कहा है कि इस फिल्म का मकसद सिर्फ तेलंगाना में मजहबी ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना है। जब 2023 में इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था तो कई फिल्म माहिरीन ने कहा था कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ जहर नफरत फैलाने वाली फिल्म है। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी की नहज पर माहौल में धार्मिक बंटवारे की कोशिश भी इस आर्टिकल में कहा गया। वायर ने और भी आगे बढ़ते हुए कहा कि निजाम की फौज में ऊंचे ओहदे पर और सिपाही भी हिंदूज बड़ी तादाद में फाइज थे, तो सवाल ही नहीं उठता कि मकसूद समाज पर जुल्म किया जा सके। वायर के आर्टिकल में यह भी लिखा है कि निजाम बड़े पैमाने पर रुपये जेवरात मंदिरों को बतौर दान दिया करते थे, हिंदुओं के तालीम इदारों को भी भरपूर इमदाद दिया जाता था, ऐसा भी उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है। एक और खास बात का जिक्र भी इसमें दर्ज किया गया है, हिंदुओं में गाय को मुकद्दस माना जाता है, लिहाजा 1923 में निजाम की जानिब से सरकारी हुक्म दिया गया था कि खुले तौर पर बड़े जानवरों को जुबा न किया जाए। एक और बात जो इस फिल्म में नहीं दिखाया गया वो है सुंदरलाल कमीशन। जब पुलिस एक्शन हुआ था तो 30,000 मुसलमानों का कत्ले आम किया गया था। जो रिपोर्ट वायर और द मिनट में लिखी गई है, तेलंगाना मूवमेंट की मुखालिफत में रजाकार को निजाम ने बनाया था, पर आज हकीकत को दूसरी दिशा में मोड़कर इसे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इत्तेहाद न्यूज की रिपोर्ट को कुछ लोग बारीकी से देखते हैं। आज की न्यूज हमने वायर और द मिनट के आर्टिकल्स को बुनियाद बनाकर दिखाया। आर्टिकल को एम रवि बाबू ने बहुत ही बेबाक तरीके से और तारीख के हकाइक को खंगाल कर लिखने की जरूरत की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत इस फिल्म पर पाबंदी लगा पाएगी या फिर रिलीज होने देगी, क्योंकि तेलंगाना हो या फिर दक्षिण भारत के अक्सर रियासतों में आज भी गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। उत्तर भारत की तस्वीर तो देख ही रहे, जरूरत है मुल्क इस नाजुक दौर में भाईचारे का मुजहरा जरूरी है, क्योंकि नौजवान नस्ल जज्बात में बहते देखी जा रही है, जहाँ कलम किताब इल्म को हासिल करने की बजाय नौजवान नस्लों को इस तरह की फिल्मों के जरिए जहन साजी की जा रही है। एक धर्म एक मजहब के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है जिसे समझने की जरूरत है, वरना मुल्क यूं ही नफरत के शोलों में जलता रहेगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। अब कुछ अहम खबरों पर एक नजर। अब किला तालाब में भी कितुरान चन्ना और संगोली रायन्ना की मूर्तियों को बिठाया जाएगा। हाल ही में रेलवे स्टेशन पर शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को न बिठाने पर तनाजा देखा गया था। समिति की जानिब से अल्टीमेटम भी दिया गया था, पर अब किला तालाब में रानी चन्नम्मा और संगोली रायन्ना की मूर्तियों को बिठाया जा रहा है। क्या फिर कोई सवाल उठाए जाएंगे, ऐसी चर्चा भी शहर में देखने को मिल रही। कल मरकजी वजीर नितिन गडकरी की बेलगाम में आमद हो रही है। इत्तला के मुताबिक रिंग रोड के काम की इफ्तिताह की जाएगी। 1622 करोड़ रुपए में तकरीबन 34 किलोमीटर लंबी सड़क यानी कि रिंग रोड को बनाया जाएगा। बेलगाम के साथ कारवार बीजापुर बागलकोट कप्पल गुलबर्गा की सड़कों को भी बनाया जाएगा। तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए कल का दौरा होगा, ऐसा बताया जा रहा है। कल सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हुई। इत्तला के मुताबिक मुतगा से बसुरते की तरफ जाते वक्त सड़क का अंदाजा न आने की वजह से गटर में ही गिरकर मौत हो गई। मैयत नौजवान का नाम श्याम केदार बताया जा रहा है। रात शिव जयंती की जुलूस में शरीक होकर देर रात बस रिकट्टी जा रहा था, उसी वक्त यह हादसा हुआ और इसकी मौत हो गई। आखिर में अफसोसनाक खबर। जेडीएस के कायद सामाजिक खिदमतगार कौमी हमदर्द जनाब फैजुल्ला माड़ीवाले के अभी कुछ देर पहले केली अस्पताल में इनका इंतकाल हुआ। फैजुल्ला माड़ीवाले पिछले कुछ महीनों से कनाडा में थे, अभी कुछ दिन पहले बेलगाम आए थे, लिहाजा आज इनका इंतकाल हुआ। जनाब फैजुल्ला माड़ीवाले बेलगाम की मशहूर शख्सियतों में से एक थी और इनके चाहने वालों के लिए एक सदमा कह सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।